अपनी बढ़ती आबादी को काबू करने के लिए चीन ने कभी एक बच्चे की नीति को बड़ी सख्ती से लागू किया था। लेकिन वही चीन आज परेशान है कि उसकी जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार लगातार धीमी पड़ रही है। आपने भी देखा होगा WDMMA की रेटिंग आई, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को हायर रैंक किया देन चाइनीज एयरफोर्स। उसके बाद से बहुत हड़कंप मच गया चाइना में, भाई ये क्या हो गया, हमारे पास ज्यादा इंडियन एयरफोर्स की रेटिंग है। चाइना ने कंगे पाल लिए फकर, भाई वो किस किस से लड़ेगा, कहां कहां तक लड़ेगा, कब कब तक लड़ेगा। देश में बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है और कामकाजी युवाओं और नवजात शिशुओं की संख्या घट रही है। इतना मतलब $3 बिलियन के सर ड्रोन्स, 30 ड्रोन्स स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन्स ले रहे हैं, एयरफील्ड्स दड़ादड़ आप लोगों ने वहां पे बना ली, राफेल जो आप लोगों ने मतलब काफी सारे जहाज आप लोगों ने फ्रांस से खरीद लिए, बाकी टेक्नोलॉजीज के ऊपर फिर इतने बिलियन ऑफ डॉलर सर किस। WDMMA वो संस्था जो पूरी दुनिया में जितनी भी एयरफोर्सेज हैं सबका कंपैरिजन करती है, हर पैमाने पर नापती है उसको, हर तरीके से उसको लिस्ट किया जाता है कि कौन सी एयरफोर्स जो है वो ज्यादा ताकतवर है। अब इसमें इंडिया की एयरफोर्स ऊपर आई है, चाइना की एयरफोर्स नीचे आई है, उसके बाद से ही चाइना में हंगामा मच गया है। पहली चीज़ तो ये है, अपनी चीज़ें ये ढंग से बताते नहीं हैं, और ये बात भी सब कोई जानता है, सबसे बड़ा चाइना का कोई क्राइसिस है तो वो ये नहीं कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी नहीं, चाइना के पास बिल्कुल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए जो लोग लगते हैं उसमें आपको यंग लोग चाहिए, उसमें आप जो है ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, पूरा चाइना जो है वो बुजुर्ग होता चला जा रहा है, सब जो है वो बुजुर्ग होते चले जा रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। पहला चीज़ तो ये, ऊपर से वॉर एक्सपीरियंस चाइना की जो अभी आर्मी मौजूदा जितने भी सैनिक है किसी के पास नहीं, क्योंकि 40 सालों से तो चाइना ने कोई जंग ही नहीं लड़ी है, और जितने भी हैं सब सीधी सी बात है 60 से कमी वाले होते हैं। अब जब S-400 हमारा डिप्लॉय जो हो रहा, 5 बैटरी हमने ऑर्डर की थी, एक तो पंजाब बॉर्डर में लगाई, दूसरी यहाँ लगा रहे, इसके होते ही यू हैव टू गो वेरी हाई अप इन द एस्केलेशन लैडर। जो स्टेप आपने काफी स्टेप्स ब्लॉक कर दिए S-400 के लगते, तो जैसे ही देखिए पीछे रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई अब मैं अपने एलाइज को अपना थोड़ा हायर वेपन सिस्टम भेजूंगा, विद इन 48 आवर्स दो चीजें आई, एक तो ये शिप वाली बात हुई और अमेरिका का ये पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस हमारे डिफेंस अटैचे को, अब उनके साथ मिलकर हम डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं, वो जैसे ब्रह्मोस रशियंस के साथ है वैसे ही हम अमेरिकन के साथ मिलकर डिफेंस सिस्टम बना सकते। अगर चाइनीज कुछ कर रहे हैं तो हम भी उनको जवाब दे रहे हैं। देखिए उनके जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जो उनके डिफेंस वॉचर्स है, उन्हें भी पता लग रहा है हम 100 किलोमीटर दूर है। देखिए फखर भाई क्या हुआ, 1962 में भी आपने सामने से तो हमला किया नहीं, हिंदी चीनी भाई वे पीछे छुरी घुसाई, गलवान में आपने बुलाया बात करने और पीछे आपने हमला कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही। आप देखिए या तो आप में हिम्मत हो, आप वक्त रखते हो तो सामने से आओ ना लड़ने, कोई दिक्कत नहीं आपको लड़ने आना है। आप मौका ढूंढते, आप वल्नरेबिलिटी ढूंढते, आप धोखा देखने की कवायद ढूंढते, यू आर लुकिंग फॉर दैट गैप। मेरे ख्याल से ये सामान्य है, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, युवा लोग बहुत वित्तीय दबाव में हैं। जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी हम तभी बच्चे के बारे में सोचेंगे। अब हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम कुछ साल एक बच्चे की परवरिश कर सकें, इसीलिए मैंने इस बच्चे के बारे में सोचा। दूसरे बच्चे के बारे में सोचते हुए मैं देखूंगी कि क्या मुझ में इतना दम है। बीते कुछ दशकों में चीन बड़े बदलाव का गवाह बना है, अब वो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की 63% से ज्यादा आबादी अब शहरों में रहती है, लेकिन इस दौरान महंगाई भी तेजी से बढ़ी है। आधुनिक रहन सहन, बच्चों की पढ़ाई, परवरिश और परिवार की देखभाल पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। चीन राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर महाशक्ति बनने को बेताब है, लेकिन उसका भार क्या एक बूढ़ा देश संभाल पाएगा? चीन की जनसंख्या वृद्धि हाल के दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। जनगणना के ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि बीते 10 साल में चीन की आबादी सिर्फ 5.4% की रफ्तार से बढ़ी है। तो इस बार दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि जन्म दर कम करना कैसे किसी राष्ट्र के लिए मुसीबत बन सकता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीन अपनी आबादी बढ़ा सकता है। पार्ट 1, वन चाइल्ड पॉलिसी की जरूरत।
1950 के दौर में चीन समेत कई मुल्कों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही थीं और आबादी अचानक बढ़ने लगी थी। परिणाम यह हुआ कि 1970 तक चीन की आबादी 1 अरब पहुंच गई। मेई फोंग एक पत्रकार है और किताब वन चाइल्ड लाइफ लव एंड पेरेंटहुड इन मॉडर्न चाइना की लेखिका है। वो बताती है कि उस दौर में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डेंग शाओपिंग ने परिवार नियोजन से जुड़े कड़े फैसले किए। आज चीन की सिकुड़ती आबादी सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की दीर्घकालिक नीति का नतीजा है। 1979 में देश की बढ़ती आबादी को काबू करने के लिए चीन में एक बच्चे की नीति को सख्ती से लागू किया गया था। उस वक्त जो भी जोड़ा दूसरा बच्चा पैदा करता था उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ता था। देश की 90% आबादी इस नीति से प्रभावित हुई। सिर्फ 10% लोगों को दूसरा बच्चा पैदा करने की रियायत मिली क्योंकि वो बहुसंख्यक हान समुदाय से नहीं थे और वन चाइल्ड की नीति लागू की। China at the time was quite poor and very populous. उस वक्त चीन में गरीबी थी और आबादी अधिक थी। चीन के अलावा दुनिया के कई और देशों के लिए बढ़ती जनसंख्या परेशानी का सबब बन गई थी। उनकी चिंता थी कि आबादी के अनुपात से भविष्य में उनके पास संसाधनों की कमी हो जाएगी। कम मुझे लगता है कि भविष्य में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी और धीमी होगी। मेरे 2 बच्चे हैं। मैंने 2 बच्चे पैदा करने की सरकार की नीति को माना, लेकिन अब अपने इस फैसले पर पछतावा होता है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों की परवरिश में मदद करने वाला कोई भी नहीं है। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा एक और समस्या तो है ही। बीते 10 साल में चीन की आबादी में 15 से 59 साल की उम्र के लोगों की संख्या में 7% की गिरावट आई है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद में 5% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है। ये आंकड़े चिंता पैदा करते हैं क्योंकि एक तरफ कामकाजी आबादी में कमी के चलते अर्थव्यवस्था को कामगारों की किल्लत हो सकती है, वहीं बूढ़े लोगों की पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल पर खर्चा बढ़ेगा। पार्ट 2, जनसंख्या नीति ने बिगाड़े आंकड़े। टू चाइल्ड पॉलिसी लागू करने के शुरुआती सालों में जन्म दर थोड़ी बढ़ी, लेकिन 5 साल बाद यानी 2020 तक इसमें गिरावट दिखने लगी और औसत जन्म दर प्रति परिवार 1.3 पहुंच गई। ज्यादातर महिलाओं के लिए 2 बच्चे पालना ना तो आर्थिक तौर पर आसान था और ना ही मानसिक तौर पर। जो चीज भारतीय सेना बल को सर्वश्रेष्ठ बनाती है वो ये है, दुनिया में कोई भी देश आप उठा लो, कोई भी बड़ी देश की फौज आप उठा लो, चाहे वो चाइना हो, चाइना के पास में प्रॉब्लम क्या है, चाइना के पास में एक ही तरह के लोग हैं। एक ही तरह के मतलब एक ही तरह के वही जो चाइना का, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है, जो चाइना का क्लाइमेट है वो एक ही तरीके का। इंडिया में भयानक वेरिएशन है। इंडिया में आपको पहाड़ी भी मिलेंगे, इंडिया में आपको जो है वो रेगिस्तान के लोग भी मिलेंगे, इंडिया में आपको जो वैसे बर्फ़ वाले पहाड़ नहीं होते, जैसे महाराष्ट्र साइड में जैसे पथरीले पहाड़ होते हैं उधर के भी आपको लोग मिलेंगे, इंडिया में आपको दक्षिण भारत के भयंकर गर्मी झेलने वाले, मतलब इंडिया में सर्दी गर्मी बरसात मौसम एक्सट्रीम ठंड एक्सट्रीम गर्मी सब चीज़ को झेलने वाली फौज जो है वो भारत के पास में है। प्लस भारत में आप देखो बराबर युद्ध अभ्यास चलते रहते। चाइना में क्या है, चाइना में वो एक पार्टी की पहली बात तो आर्मी है। इंडियन आर्मी पर कोई भी करप्शन का चार्जेस नहीं लगा सकता, ये बात सच है। इंडिया में अगर आप इतिहास में देखो तो हथियारों के मामले में बड़ी भ्रष्टाचार हमने इतिहास में देखा है, पर वो नेताओं का था ना कि सेना का था। सेना की तरफ से हमने कभी भी कोई भ्रष्टाचार नहीं देखा, जितना भी कुछ इतिहास में देखा भी है वो नेताओं की वजह से देखा है। अलग अलग पार्टी के थे, उसमें सबको पता है कौन सी पार्टी के थे कौन सी पार्टी के नहीं थे। तो अब आप देखो इंडिया की आर्मी, अब चाइना की आर्मी जो है वो सबसे ज़्यादा करप्ट आर्मी में से एक मानी जाती है पूरी दुनिया की। अब जिस फौज ने
कहीं किसी दुश्मन देश से जंग नहीं लड़ी हो पिछले 40 साल में, उसने किया है तो क्या किया है, सिर्फ अपने यहाँ के जो लोग हैं जिनके पास में ना हथियार हैं ना रिसोर्सेज हैं, जिनकी पूरी एक एक कहाँ सोता है उठता बैठता एक एक समय की आपके पास में इंफॉर्मेशन भी है, कुल मिला के अपने ही निहत्ते लोगों को जिस फौज ने मारा है वो क्या दुश्मन से लड़ेगी? अपने यहाँ के निहत्ते जिनके पास ना बल है, ना उनके पास में पैसा है, ना उनके पास में ताकत है, ना उनके पास में लड़ने की क्षमता है, उनको जो जिस फौज ने दबा दबा के मारा हो, पीटा हो, अगवा किया हो, सब कुछ किया हो, उसके अंदर में कैसे इतनी क्षमता हो सकती है कि वो किसी दुश्मन देश की फौज से लड़ सके? यही हिंदुस्तान में कोई भी मौसम हो उसके लिए तो तैयारी है ही, प्लस इंडियन आर्मी पर्सन्स जो हैं उनके अंदर में पैट्रियटिज्म, जो राष्ट्रभक्ति की भावना है, वो बहुत प्रचंड रूप से है।